मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। धामी के साथ 11 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली। सुबह से ही अटकलों का दौर जारी था। कई वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी की खबरें भी लगातार सामने आ रही थीं, लेकिन शाम होते होते बीजेपी में सभी नाराज मान गए और शपथ ग्रहण समारोह में एक एक कर सभी विधायक पहुंचने लगे। सतपाल महाराज और विशन सिंह चुपाल शपथ ग्रहण समारोह में पहले ही पहुंच गए थे, तो वहीं हरक सिंह रावत और यशपाल आर्य आखिरी में शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। चलिए, मुख्यमंत्री के बाद सभी मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली, जिसमें सतपाल महाराज, डॉक्टर हरक सिंह रावत, बंशीधर भगत, यशपाल आर्य, बिशन सिंह चुपाल, सुबोध उनियाल, अरविंद पांडे, गणेश जोशी, धन सिंह रावत, रेखा आर्य और स्वामी यतीश्वरानंद ने मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वो सीमांत क्षेत्र से आते हैं और समस्याओं को भी अच्छे से जानते हैं, लिहाजा समस्याओं को दूर करने का प्रयास भी करेंगे। पिथौरागढ़ में सीमांत क्षेत्र में मैंने वहाँ पर कक्षा 5 तक की पढ़ाई की है और उसके बाद मैंने जो है खटीमा जो कि भारत नेपाल सीमा पर क्षेत्र है वो मेरी कर्मस्थली रही है। इसके अलावा नौजवानों युवाओं के बीच में लगातार घूमता रहा हूँ, इसलिए यहाँ की समस्याओं को भली भांति जानता हूँ। उन समस्याओं को समाधान के लिए लोगों के बीच में जाऊँगा, हमारी सरकार जनता के द्वार तक जाएगी। सर, कई दिग्गज नेता दिन तक नाराज बताए जा रहे थे लेकिन शाम तक शपथ ग्रहण तक आपने सबको मना लिया, आप देखते कोई नाराज नहीं था, ये आप लोगों ने ही बना रखा था उनको नाराज। वहीं शपथ लेने के बाद सभी कैबिनेट मंत्रियों ने एक सुर में कहा कि प्रदेश के विकास कार्यों को पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया जाएगा और मजबूती से काम करके पार्टी 2022 में चुनाव जीतेगी। देखिए, आज मैं अपने सबसे पहले तो केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक युवा चेहरे पर विश्वास जताया, एक सैनिक पुत्र पुष्कर धामी को इस प्रदेश की बागडोर सौंपी है और मैं भी एक भूतपूर्व सैनिक हूँ और मेरे लिए सबसे ज्यादा गर्व की बात है और मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं कि हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, दिन रात काम करेंगे और ये टीम 11 मिल उसके धामी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर इस प्रदेश के अंदर बनेगी, ऐसा भरोसा मिलती है। जैसे हम 2022 में चुनाव के उसमें कदम रखने वाले हैं तो हम सबके लिए बहुत आवश्यक है कि अब तक में इन 4-4.5 सालों में जो विकास किया गया है उसको गति देना और जो युवाओं की बेरोजगारी का विषय है उसको किस तरीके से हम रोजगार में हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया भी है, तो ये सारे है कि हम विकास को लेकर जनता के मध्य में जाएंगे तो उत्तराखंड का चहुंमुखी विकास एक युवा नेतृत्व के मार्गदर्शन में हम लोग लेकर आएंगे और उसी को लेकर प्रधानमंत्री जी का, अपने गृह मंत्री जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का और अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने इस बार सभी लोगों को कैबिनेट मंत्री बनाया है और मैं ये कह सकता हूँ कि 2022 के लिए अब हमारी सरकार जनता के हित में और अच्छे निर्णय क्या हो सकते हैं। हमारे माननीय तीरथ सिंह रावत जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, हमारे माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं और अब हम उन कामों की गति को और ज़्यादा देने वाले हैं और 2022 में
पूर्ण बहुमत की सरकार फिर भाजपा की यहाँ बनने वाली है। मिला है उत्तराखंड को, ये उत्तराखंड के लिए बड़े सौभाग्य की बात है और हम सब मिलके, चाहे वो पार्टी के स्तर पर हो चाहे वो सरकार के स्तर पर हो, सब मिलके काम करेंगे और 2022 में इससे अधिक बहुमत को लाएंगे। पुष्कर सिंह धामी और उनकी कैबिनेट ने शपथ तो ले ली, लेकिन अब पुष्कर सिंह धामी के सामने समय बेहद कम है और चुनौतियां बेहद ज्यादा। इन चुनौतियों से वो कैसे उबर पाएंगे और कैसे उनका सामना कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365।